हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, मेरे चेहरे से लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है, आँखों से लग रहा है ना बिल्कुल अजीब सा हो रखा है चेहरा। वो इसलिए क्योंकि कल हम गए थे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। तो फिर वैसे तो हम घर टाइम पे आ गए थे, 10:30 बजे घर आ गए थे, बट ना थकान सी लगी थी। और शाम को निकले थे हम, 4 बजे के करीब निकले, और वही 5-5:30 बजे से फिर हम मतलब वहाँ पे नहाना हमने शुरू किया था। तब तक हम बैठे हुए थे क्योंकि फेस और आँखों में भी दर्द हो रहा है। एक चीज़ ये अच्छी कि आज ना छुट्टी है, आज संडे है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब आज रेस्ट मिल जाएगा। और आज हम बहुत लेट में भी उठे, वैसे मेरी नींद तो खुल गई थी टाइम पे, बट मैंने कहा आज ताकत नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि पैर ना बिल्कुल जाम से हो गए, बिल्कुल तन्ने दर्द कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, नहा धो के कपड़े भी धो के पूजा पाठ करके आ चुके हैं, बाकी और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो चाय बिस्किट खा लेते हैं पहले, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो चुकी है। अभी तक ना हमारा मतलब नाश्ता हो जाता सुबह का। उसको पहन लो, इस वजह से बहुत थकान सी लग गई है। दूध पियोगे ना? आज तो हर चीज में हमें लेट ही होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक हमारा नाश्ता हो जाता था और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। सभी थके हुए हैं, सबके हाथ पैर में दर्द सा हो रहा है। तो देखते हैं नाश्ता आज मैं बना भी सकती नहीं भी बना सकती। मैं सोच रही डायरेक्ट थोड़ी देर में ना खाना बना दूंगी, 11:30-12 बजे के करीब। अभी वैसे भी बिस्किट चाय बिस्किट खा लेंगे ना तो फिर तुरंत खाना भी नहीं खाया जाता, और नाश्ता करने का टाइम होने वाला है, 8 बजने वाले हैं, इसलिए देखते हैं क्या करते हैं। वरना फिर हल्का फुल्का मैगी वगैरह खाते हैं, तो वरना मैगी बना दूँगी और फिर दोपहर में खाना बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करना है। कमरा इतना गंदा हो रखा है ना, कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो वो भी मैंने तय नहीं करे, वैसे बिस्तर में फेंके हुए हैं, इसीलिए थोड़ी सफाई का काम है ना, तो टाइम तो लग जाएगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। बिस्किट लेके चले गए क्या आप? बिस्किट लेके चले गए आप? हाँ, ये है पार्ले जी बिस्कुट अंशु के लिए। अंशु के हम भी खा लेते हैं इसको, कहीं हाथ पे डाल लेती हूँ ना इस बास्केट में। वैसे ना पार्ले जी का बहुत बड़ा मतलब वो आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता उसमें, और इनके साइज़ इतने ही रहता है, पूरा डब्बा आता है 100 पता नहीं कितने रुपए का आता है, तो हम वही लेके आते हैं, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। बट इस बार खुले में लेकर आ गए हैं ऐसी 7-8 पैकेट, और हम लेंगे, हम फैन लेंगे, इनको फ़ैन बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ, इसलिए फ़ैन ली। तो मेरी आंखें तो खुली नहीं रही है, अजीब सी हो रही है बिल्कुल। चाय बन चुकी है और अंशु का दूध भी बन चुका है, फटाफट पीते हैं। और ये अंशु का मेज बन के आ चुका है, स्टडी टेबल तो बहुत बड़ा है, कल आया है, कल आ गया था वैसे ये बन के, तो गाइस तो इसको अभी हमें लगाना है रूम पे। और रूम पे सोची थी वहाँ पे ना एक छोटा सा मेज है, तो उसमें अंशु की बुकें रखी हुई हैं, बट उसमें आती नहीं है, वो छोटी सी है और हाइट में भी थोड़ी सी नीची होगी है, क्योंकि वो चाय पानी वाला टेबल है। वैसे उसको हमें रूम से निकालना है, और यही सोची थी कि मैं इसे कहाँ लगाऊँ, उस वाले रूम पर लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, बट फिर ना वहाँ वाले रूम पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ वाले रूम पर सोफ़ा है, फिर एक मेज भी आएगा और बेड भी है, इसलिए इसको हम लगाएंगे अपने वाले रूम पे। तो ये है मेज करके रखा है। अच्छा दूध ले आओ, तो हम इसको अंदर रखते हैं, अभी लगाते हैं और कमरे का। सो गाइस, स्टार्ट हो चुका है जो भी मेरा काम है वो करना, और ये वाला मेज है जिसमें अंशु बैठ के पढ़ाई करता था, बट ये मेज ना छोटा हो चुका है, और इसके नीचे आप देखेंगे बुक्स रखी हुई हैं, तो बुक्स और भी है ना उसमें भी नहीं अटकती, जितनी भी बुक्स हैं नीचे वे सारी पुरानी हैं, तो नई बुक्स हैं वो भी नहीं अटकती है, और अंशु को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए उसके लिए जो है स्टडी टेबल लेके आए हैं।
थोड़ा सा बड़ा हो गया है वो भी, बट ये एक है ना बाद में काम आ जाएगा इसीलिए। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा सा गंदा रहा दिख रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, फिर उसके बाद मेज को यहाँ पे लगा देंगे हमारे वाले रूम पे। को हो रहा था मम्मा ये तो मैं उठा लूँगा बहुत ही आराम से, और ये इतना भारी था कि मैं अपने साइड से ना उठा भी नहीं पा रही थी, ये देखिए पूरी ताकत लगा दी मगर मैं फिर भी ले जा नहीं पा रही थी। तो जो है इसमें भी अंशु जब बैठ रहा था थोड़ा सा ऊंचा हो रहा था, मगर हो जा रहा था काम इसका, चल जा रहा था। अब हम इसे लगा देंगे बिल्कुल सामने, और इसमें आराम से जो है जो इसका ऊपर का मेज है ना काफ़ी बड़ा है, तो बहुत सारा सामान जो है ऊपर भी हम आराम से रख सकते हैं। और जो बुक उसकी काम की नहीं है वो मतलब पुरानी बुक्स हैं उसकी, वो उसके अंदर हम रख देंगे। तो यहाँ पे लगा दिया, मेरे ना हाथों में भी दर्द होने लग गया था इसको उठाते, और ये दिखने में ऐसा ना बहुत भारी हो रहा था, बिल्कुल मुझसे तो उठ ही नहीं रहा था। तो इसको लगा लेते हैं, अब हम जो है थोड़ी सी सफाई करेंगे जितनी भी बुक हमारी काम की है, वैसे तो सारी काम की है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बुक है ना, इसीलिए अच्छे से उनको लगाएंगे। तो अंशु आज पूरी मेरी हेल्प करेगा, हम दोनों जने मिलके करेंगे फटाफट से। अब लेके आ गए हम इस वाले मेज को, इसके मेज के नीचे बहुत सारी किताबें हैं, कुछ बुक्स ना उसकी जो होती नहीं बचपन की LKG UKG की नोटबुक्स पुरानी वाली वो हैं, और UKG की हैं, फर्स्ट की हैं, सेकंड की हैं, इस बार अंशु थर्ड में गया है तो थर्ड की बुक ना मेज के ऊपर आपको पीछे दिखाई देंगी। और ये जितनी भी सारी बुकें हैं सारी पुरानी हैं, मदर्स डे का यहाँ पे कार्ड बनाया था वो भी है, और पुराने अंशु के पेपर हैं ना तो वो नोटबुक्स के अंदर अंशु ने डाल के रखे हैं तो वो भी निकलना है। तो ये किताबें ना पूरी साफ़ सुथरी हैं तो उनको मतलब फेंकने का, नोटबुक्स भी पूरी साफ़ सुथरी उनको फेंकने का ना मन ही नहीं करता। तो अंशु सब इसके नीचे हमने ऐसी लगा के रख दिया था, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने किसी को दे भी दी थी, बट अब की बुकें जो आ रही है ना, पहले क्या होता था जब हमारे टाइम पे किताबें ऐसी होती थी कि दूसरों के काम भी आ जाते थे, हम दूसरों की किताबें ले लेके अपना काम चला लेते थे, पढ़ लेते थे, बट अब ना ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारी किताबें चेंज भी हो चुकी हैं और वर्क बुक आने लग गई हैं, किताबों में जो है भरने वाला काम ज़्यादा आने लग गया है बच्चों का, तो किताबें ना साइन हो जाती है उसमें टीचर्स की, वो दूसरे बच्चों के ना काम नहीं आती है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 3-4 बुक तो मैंने ऐसी हिंदी होगी, इंग्लिश, मैथ भी काम की नहीं आ रही है, मैथ में भी जो है वर्क कराती है मैम, तो 2 किताबें ऐसी हैं जो चल जाती है, बाकी जितनी भी किताबें हैं ना 2-3 किताबें चलती है, बाकी सारी किताबें मतलब बेकार है, दूसरों के मतलब की है ही नहीं वो। तो मैंने संभाल के रखी है वैसे, अगर कोई वैसे पढ़ना चाहे तो अच्छा लगता है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटी छोटी किताबें से भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छोटे होते हैं तो पुरानी किताबों में देखना पड़ता है, इसलिए मैंने सारी संभाल के रख दी है। इसके अंदर जितनी भी किताबें आ रही है वो रख दी है, और बाकी अंश का जो चार्ट पेपर है वो मैंने उसके अंदर रख दिया, 2-3 उसके पास थे, और ये तो इसमें से बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं अंशु की, ये देखिए इसके अंदर भी अंशु ने अपने पेपर संभाल के रखे हुए हैं, पेपर पता नहीं क्यों संभाल के रखे हैं मतलब खाली, और ये टेस्ट कॉपी है अंशु की, ये भी फर्स्ट क्लास की है, फर्स्ट क्लास की अभी तक रखी हैं, सेम टू सेम वैसी पड़ी हुई हैं, तो उनको सब मैंने अंदर संभाल दिया था। और अब मैं जो अंशु की अभी थर्ड की किताबें हैं उनको अच्छे से लगा लेंगे, तो टाइम टेबल के हिसाब से बुक रखनी पड़ती है ना, इसीलिए पूरी आज संडे था तो पूरी बुक मैंने बाहर निकाल दी है, तो अभी बाहर रहेगी इसमें से अंशु अपना वर्क कंप्लीट करेगा होमवर्क, और फिर उसके बाद मॉर्निंग पे वो जब तैयार होता है ना स्कूल के लिए तो फिर अपने टाइम टेबल के हिसाब से बुक बैग में रखने लग जाता है। तो अभी तो मैंने सारी किताबें यहीं पे लगा दी हैं, क्योंकि नीचे अगर रखूँगी ना तो फिर सब मिक्स हो जाएंगी, इसीलिए इसी में से ही वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से ले जाएगा तो उसे आसानी होगी। अच्छे से हम दोनों मिलकर इसको लगा देंगे, और अब तो कोई टेंशन नहीं है, खाली मतलब पूरी जगह ही खाली पड़ी हुई है, बुक्स उस लगभग सब कुछ लगा लिया है, थोड़ा सा कूड़ा भी निकला है बेकार सा तो उसको साफ़ कर लेते हैं। मैं आप एक काम तो ख़त्म हो गया, अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो बहुत सारे ना कपड़े धो के रखे थे और मैं सोची थी कवर लगा लूँगी कल शाम को, बट फिर ऐसे ही हो गया था, कल नहीं लगा पाई,
तो अभी लगा लेंगे और कपड़ों की कर लेंगे तय। तो ये है अंशु की यूनिफॉर्म और इसमें भी मुझे प्रेस करनी है, इसलिए मैंने इसको ना खाली उल्टे ही ऐसे टांग दिया है। तो अंशु की पैंट है और सॉक्स, उसका जो रुमाल है वो, मतलब उसका जो भी सामान उसको सुबह चाहिए होता है प्रेस प्रेस करना है, तो मैं प्रेस करके ना सबको एक ही के अंदर डाल देती हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े। फिर होता है ना टाई का है, सॉक्स का है, रुमाल का है, इसलिए इसके हैंगर के ही अंदर में इसे टांग के रख दूँगी। अभी तो खैर मुझे अभी दोबारा निकालना पड़ेगा प्रेस करते समय, बट अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। और ये हस्बैंड जी के कपड़े हैं, कुछ कपड़े हैंग करने वाले हैं तो उनको सिर्फ हैंग करके रखूँगी। सारे कपड़ों की हो चुकी है तय यहाँ पे। तो चादर तो खैर मैंने चेंज की हुई थी, इसको हल्का सा झाड़ लेंगे और यहाँ का जो जगह है ना उसको खाली कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेड को खिसका विसका के झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं और अब इसको ले आएंगे बाहर, दूसरे वाले रूम पे लगाना है मुझे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कागज वागज, कितना भी सफाई करो कुछ ना कुछ तो निकलना ही है। और मेरी ना बिंदी जो है ना वो गिर गई थी, छोटी सी डिब्बे में रखी थी और वो नीचे गिर गया खुल के और सारी बिंदी जो है मेरी बिखर चुकी है। तो थोड़ा सा मैंने उठा के ऐसे ही ऊपर रख लिया, उसे मैं बाद में संभालूंगी। और गीला कपड़ा लेके आ गई हूँ, कपड़ा मारना है। और अंशु को देखो, अंशु लग चुका है। तो इन कागजों को मैं एक पन्नी में डालूंगी, डस्टबिन में डालूंगी। थोड़ा सा सामान भी था मैंने, अपना जो ड्रेसिंग है उसमें से भी थोड़ा सा गंदगी निकाली उसे साफ करके। अब मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ और फिर यहाँ पे कपड़ा कपड़ा मार लेंगे। थोड़ा सा इधर का सामान भी सेट कर लेती हूँ। अब आगे इस वाले रूम पे, तो इस वाले रूम पे सोफे को हटा के लगाएंगे झाड़ू। और बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी थी, ये पीछे की खिड़की है ना पता नहीं बंद रहती है फिर भी सारी धूल पता नहीं कैसे जम जाती है, और बगल वाली खिड़की है वो खुली रहती है और वहाँ से मुझे लगता है धूल आ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी थी, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सोफे को हटा के कर लेंगे। तो दिवाली वाली सफाई तो अभी नहीं है, मतलब हल्की फुल्की सफाई है अभी, फिर कुछ दिनों में फिर करनी पड़ेगी सफाई। तो सोफ़े को हटा के सोफ़े के कवर भी निकाल दूँगी, वो मुझे वॉश करने डालना है। और खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि खिड़की के बाहर से भी मुझे हल्की सी जाली दिख रही थी, बट एक ही खिड़की खुली, बाकी खिड़की ना मुझसे खुली नहीं रही थी, बिल्कुल जाम हो रखी है। तो यहाँ पे भी झाड़ू वाड़ू जितना कूड़ा जाएगा यहाँ पर भी सफाई कर लेते हैं। अंदर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अब ये वाला मेज को कर लेंगे साफ, क्योंकि ये वाला मेज जाएगा उस वाले रूम पे जहाँ मैं अभी सफाई करके आ गई हूँ। अब ये फ्री हो चुका है इसलिए इसको मैं यहाँ लेके आ गई हूँ, चाय वाय पीने के लिए सही रहेगा ना। तो अभी मैं पहले पोछा ओछा मारूँगी फिर जो है इसे बढ़िया करके लगाएंगे। तो अब आ गए हम इस वाले रूम पे और यहाँ पे भी रोज़ कपड़ा मारना पड़ता है, बहुत सारी धूल जम गई थी। तो बेड को गीले कपड़े से साफ कर लूँगी और चादरें अभी मैंने नहीं बिछाई है, चादरें मैं बाद में बिछाऊँगी जब पूरा मतलब पोछा वोछा लग जाएगा ना उसके बाद ही मैं चादरें बिछाऊँगी। तो दरी वरी भी मैंने बाहर रख दी है, इनको एक बार झाड़ूँगी और उसके बाद फिर बिछाने के लिए भी सही रहेंगी।
अच्छा अच्छा भी मैंने लगा लिया था। अब आती है मैट बिछाने की बारी। तो पोछा लगाने के बाद फ्लोर मेरा बिल्कुल सूख चुका था, तो मैट बिछा लेंगे। एक मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मेज को मेज के अंदर डाल दिया है यहाँ पे। तो ये काम भी मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी कमरों की मैट है सबको लगा लेती हूँ। के आ चुकी हूँ और मेरा हाल कैसा हो रखा है अजीब सा, क्योंकि गर्मी हो रही थी ना और सुबह से काम कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई। तो काम मेरा सारा जो भी है फिनिश हो चुका है। और अंशु को भी मैंने खाना दे दिया है और मैंने अपने लिए बनाया है बनाना शेक। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, भूख भी नहीं लगी है। बस ठंडा सा बिल्कुल आइस वाइस डाल के इसमें फिर अंशु को थोड़ी देर पढ़ाई करवाऊँगी अभी, और फिर अंशु ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाएगा। अजीब सा हो रहा है, गर्मी हो रही बहुत, तो मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा से कुछ पीने का मन कर रहा है, इसी को ही बना लेते हैं। और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। मैंने फिर अक्टूबर में फिर सफाई करनी पड़ती है, तो फिर तो कर्टन वगैरह जितने भी है सब निकाल के फिर कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए वीडियो को इनके एंड करते हैं, थक गई हूँ मैं भी बहुत, आराम कर लेती हूँ। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।